आगे बढ़ते हैं भाई। ये बंदा टारगेरियंस का शाहजहां था। जब रेड कीप बनने को तैयार हो गया पूरे 10 साल बाद, यानी 35 AC में एगोन द कॉन्करर ने रेड कीप को बनवाया ताकि पायरेट्स या फिर चोरों चक्के लुटेरों या फिर और किसी से भी बचा जाए, क्योंकि यहाँ पर इसके बच्चे हो चुके थे और किंग्स लैंडिंग पर नहीं मौजूद हो सकता था। दैट्स वाई कि बड़ी बड़ी दीवारें ये फॉर्म करने लग गया और पूरे 10 साल लगे इस रेड कीप को बनने के लिए। तो 45 AC में जब रेड कीप बन के तैयार हो गया तो जितने भी वर्कर्स थे, इसने ग्रैंड पार्टी रखी, ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जिसमें जितने भी वर्कर्स थे सबको खूब फिलाया खिलाया पिलाया, जबरदस्त हाई ट्रीटमेंट दिया, रॉयल ट्रीटमेंट, और हॉर्स का भी सुख दिया। लेकिन 3 दिन बाद ही सबको मरवा डाला ताकि रेड कीप की जो सिक्योरिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, किसी को और को ना पता चल जाए। बहुत क्रूअल था, सजाए मौत देना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, मजा आता था लोगों को मारने में। डे बाय डे इसकी क्रूअल्टी इतनी बढ़ गई क्योंकि किसी को भी जिंदा जलवा देता था, किसी को भी छोटी मोटी चीज के लिए मार देता था और रेबेलियंस को बहुत बुरा मारता था। लाइक ब्लैक वाटर में जब कुछ रेबेलियंस को ये मारने गया था तो मासूम लोगों के साथ ही बहुत रेबेलियंस को 2000 लोगों को मरवा के उनकी खोपड़ियों का मुआयना कर रहा था, उनके खोपड़ियों कंकाल को लेके घूम रहा था। बहुत बहुत क्रूअल बंदा था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा प्लेज रोल, तुम इतनी दरिंदगी मासूम के साथ करोगे तो तुम्हें भी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, और यही इसके साथ हुआ। 3 शादी के करने के बाद भी इसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई बड़ा बेटा पैदा नहीं हो रहा था जिसका उससे डिजायर। तो बाद में उसके बाद 3 शादी और इसने करी है जिसमें से इसकी भतीजी रीना टारगेरियन से भी इसने अपनी शादी कर ली, मतलब 6 बीवियां इसकी हो चुकी थी यहाँ तक। लेकिन भाई एक किसी से भी लड़का नहीं मिला, अगर लड़का मिल भी रहा था तो बहुत बुरी फॉर्म में, जानवर के रूप में, कभी मॉन्स्टर के रूप में, कभी शैतान के रूप में, लाइक ह्यूमन फॉर्म में वो होता ही नहीं था। किसी के पंख होते थे तो पक्षी के रूप में निकलता था, कोई किसी के हाथ पांव नहीं होते थे, आंख भी नहीं होती थी, ऐसा बच्चा पैदा हुआ करता था। कोई मॉन्स्टर ईविल टाइप का बच्चा देखने को मिलता था, जानवर टाइप के बच्चे होते थे जब भी हुए इसके लड़के के रूप में। सिर्फ रीना टारगेरियन से 2 लड़की पैदा हुई, वो भी ह्यूमन फॉर्म में सही सलामत। तो अब सीधी बात है भाई, ऊपर वाला भी हिसाब किताब बराबर करता है, क्योंकि तुम मासूमों के साथ अगर छल ऐसे दरिंदगी करोगे, उन्हें सताओगे, तो हिसाब तो कोई ना कोई करेगा, और ऊपर वाले ने किया इसके साथ। बहुत बुरी मौत मरता है लास्ट में आके, और इसका अंत बहुत बुरा था। कहते हैं कि ताकत के नशे में भाई खूब मनमर्जी करी इसने, लेकिन जब ये कमज़ोर हुआ तब इसके साथ किसी ने भी नहीं दिया। सभी जो इससे सताए गए थे इसके अगेंस्ट हुए, दर्दनाक मौत लोगों को दी तो ये भी दर्दनाक मौत का ही शिकार हुआ एट द एंड। एनीज वन का लास्ट सर्वाइविंग सन जहरिस वन टारगेरियन, जिसे हम जानते हैं, उसने धावा बोल दिया आयरन थ्रोन को क्लेम करने के लिए। जब उसने देखा कि मैगोर अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, अकेला हो चुका है, और इसी बीच मैगोर अपने ही थ्रोन में एक सुबह मरा हुआ मिलता है, जो नोबडी नोज की भाई साहब आखिर मरा कैसे, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई कहता है इसके गार्ड ने इसे मार दिया, कोई कहता है कंस्ट्रक्शन लेबर ने इसको मार दिया, वो कंस्ट्रक्शन लेबर जो 3 साल पहले सबको मरवा दिया गया था उसमें से एक बच गया था शायद उसने मराया, कोई ऐसा कहता है। कोई कहता है कि उसकी बीवी एलेनोर ने मार दिया क्योंकि उसने बाद में और भी शादियां कर ली थी, वही भाई चलता है, वो ईर्ष्या भाव चलती है। कोई कहता है कि थ्रोन की जो धारधार तलवारें थीं, धारधार जो ब्लेड थी उसमें, उससे उसका हाथ कटा और गर्दन में भी तलवार घोंपने का निशान था, तो शायद वो उससे मरा हुआ था। पर अंत में बहुत बुरी तरीके से मारा है, कोई भी इसके पास आसपास नहीं था, तड़प तड़प के मरा है क्योंकि इसने भी तड़पा तड़पा के लोगों को मारा है। और देन उसके मरने के बाद जहरिस वन टारगेरियन, उसका जो भतीजा है, आयरन थ्रोन को क्लेम करता है और एक लंबा पीसफुल शासन करता है, जो आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 के एंड में देखा होगा। जहरिस वन टारगेरियन मरता है, देन उसके बाद रनीरा का पप्पा अपना विसेरिस टारगेरियन थ्रोन को क्लेम करता है। तो बाबा ये थी मैगोर द क्रूअल की कहानी, पूरी शुरू से लेके एंड तक, जो भी उसने कॉन्क्वेस्ट किया, जो भी उसने दरिंदगी मचाई, क्रूअलिटी मचाई, क्रूअलिटी का जो टैग था उसे कहाँ से मिला है, और वो अपने बच्चों तक को नहीं बख्शता था। रीना टारगेरियन जब भाग गई थी तो उसकी दूसरी बेटी जो उसके कब्जे में थी उसे मरवाने तक का ऑर्डर दे दिया था कि ताकि उसको सबक मिल पाए, रीना टारगेरियन को सबक मिल पाए। तो बाबा बहुत ही क्रूअल बंदा था, टारगेरियन हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा बंदा जिसका नाम भी कोई नहीं रखना चाहता था। सो दैट द स्टोरी भाई, यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैगोर द क्रूअल का पूरा बायोडेटा है इस पर ब्रीफली। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पर बना सकते हैं बाबा, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना, और ये वीडियो कितनी पसंद आई है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पर बता के जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से वास्ता रखता है उसे भी शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।